दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जी हाँ, न्यूली लॉन्च फेयर एंड लवली HD ग्लो सोप का रिव्यू, और ये प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है इसके बारे में सारी बातें हम लोग क्लियर करेंगे आज। दोस्तों, ये वीडियो कहीं पर भी हेल्पफुल लगेगी तो लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद आएगा एक नोटिफिकेशन बेल है जो कि घंटी, उसे ज़रूर बजा लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलेगी और हमारी वीडियो आपसे मिस नहीं। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको फेयर एंड लवली HD ग्लो क्रीम पर भी एक रिव्यू शेयर किया है, जिसमें हमने सारी डिटेल्स शेयर की हैं कि वो आपकी स्किन पर सूट करता है और किसी की स्किन पर सूट क्यों नहीं करता है। तो आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर चेक कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो इस प्रोडक्ट की हम बात करें, उसका आउटर पैकेज कुछ इस तरीके का एक कागज़ वाला ही पैक है जैसे सोप का होता है, और ये है फेयर एंड लवली ग्लोइंग स्किन सोप दोस्तों, और मल्टीविटामिन के साथ आती है, और अभी ये आपको 25% ऑफ भी मिल रही है दोस्तों, और इसके बैक साइड में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ इसकी प्राइस दोस्तों, तो मेरे पास है ये 10 रुपीज़ का। हाँ, ये ट्रायल पैक है दोस्तों, क्योंकि मैं पहले ट्राई करना चाहती थी कि ये कैसा सोप है, उसके बाद ही मैं बड़ा बाय करूँगी आएगा दोस्तों। और इसकी नेट क्वान्टिटी जो है वो है 45 ग्राम की, और इसकी जो सेल्फ लाइफ है दोस्तों वो है 2 ईयर्स, तो एक सोप के लिए 2 साल काफ़ी। अगर आप बड़ा वाला सोप लेना चाहते हो तो वो 75 ग्राम का है, और इसकी जो प्राइस है 30 रुपीज़ है, तो काफ़ी अफोर्डेबल ही है दोस्तों। और अब हम बात करते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स की, और जो सबसे बड़ी पॉइंट होती है कि क्या इसमें पैराबेन है, सल्फेट है, या फिर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, पता नहीं क्यों मैं खुद सरप्राइज हूँ, फेयर एंड लवली में यहाँ पर कहीं पर ना पैराबेन इस्तेमाल किया, ना SLS इस्तेमाल किया गया, ना ही कोई हार्मफुल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल किया गया है, तो ये थोड़ा सा सेफ होता है उस क्रीम के मुकाबले। अब दोस्तों, हम बात करते हैं सेकेंड ग्रेड का सोप है, जिसमें 70% टिफियम यूज़ किया गया है, मतलब ये सेकेंड ग्रेड का सोप है, तो ये बहुत ज़्यादा लो ग्रेड का सोप भी नहीं है, ये ठीक ठाक चल जाएगा आपको दोस्तों। दोस्तों, इसका मेन प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से देखिए, स्नो वाइट वाइट में आपको दिख रहा होगा फेयर एंड लवली, इसका लोगो भी है, और ये काफ़ी ट्रेवल फ्रेंडली, आप कहीं पे इसको ले जा सकते हैं क्योंकि काफ़ी छोटू मोटू सा है, आपके हैंड्स में भी इजीली आ जाती है। दोस्तों, इसकी खुशबू की अगर हम पहले बात करें तो इसकी खुशबू बहुत लोग कहते हैं कि बहुत केमिकल बेस्ड है, किसी का कहना है कि बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जैसा कि आपने लक्स का सोप यूज़ किया है वाइट वाला या रोज़ वाला, तो बिल्कुल उसकी स्मेल सेम टू सेम वैसी है डिटो, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल जैसे बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग ब्लीच प्रॉपर्टीज़ ऐसा वाला स्मेल नहीं है। अब दोस्तों, हमारा सवाल है कि क्या ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। तो दोस्तों, अगर आपकी स्किन ऑयली है एंड नॉर्मल है, और आप कोई पोल्यूटेड एरिया में वर्क करते हो, जैसे इंडस्ट्रीज एरिया में कोई काम करते हैं, चाहे वो गर्ल्स एंड बॉयज़ हो, कोई भी हो, तो उस पर यह बहुत अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से डीप क्लीन करती है, आपके ऑयल को रिमूव करती है, आपके डर्ट को रिमूव करती है, एंड एकदम से आपको ऑयली स्किन वाले को एकदम से फ्रेश महसूस होगा। तो अगर आप ऐसे इंडस्ट्रीज में कहीं इस जगह पर वर्क करते हो, तो प्लीज़ डेफिनेटली एक बार आप इसे ज़रूर शेयर मतलब अप्लाई करके देखिएगा, ये आपको पसंद आएगी। ड्राई स्किन वालों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी सोप जो होता है नेचुरली वो आपको ड्राइनेस छोड़ ही जाती है, चाहे वो महंगा कितना भी सोप क्यों ना हो, चाहे फिर ये फेयर एंड लवली की बात मैं क्यों ना करूँ, ये भी आपके बॉडी को हल्का सा ड्राई करता है, मगर एकदम बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करता है। विंटर में मे भी ये करे, बट समर में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने मॉइस्चराइजर या बॉडी लोशन कुछ यूज़ कर लिया तो फिर ठीक ठाक चलेगा ये दोस्तों। अब हम बात करते हैं सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, तो इसमें मैंने सेंसिटिविटी चेक करने के लिए मैंने इसे अपने फेस पे भी अप्लाई किया, एक्ने पिंपल्स आ रहे हैं या नहीं जैसे मैंने क्रीम के साथ किया था। तो दोस्तों, टच वुड, इससे कोई एक्ने ब्रेकआउट्स और पिंपल्स मेरे फेस पे नहीं आए हैं, तो मेरे ख्याल से सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसे फेस पे यूज़ करना बेहतर रहेगा या नहीं, तो कोई भी सोप फेस पे अप्लाई करने के लिए नहीं होता है दोस्तों, लेकिन इंडिया में अभी भी 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो सोप का ही यूज़ अपने लिटरली अपने फेस पे करते हैं, तो अब उनकी पसंद है, अगर उनको करना है तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं कहूँगी कि सोप को कभी यूज़ फेस पे नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल नहीं है, इससे पता चल रहा है, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो तो बहुत केमिकल बेस्ड की एक अलग से फीलिंग होती है, तो इसमें सच्ची में वैसा फीलिंग नहीं है, बहुत लेस देन केमिकल इसमें मिलावट जिसे कहते हैं मिलाया गया है। फेयर एंड लवली के जैसे आपके नेगेटिव थॉट हो गए हैं तो ऐसा मत सोचिएगा, ये सोप सच में बहुत। और अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा लेती हूँ, देखिए ये कितनी जल्दी लेदर करता है, तो आप समझ जाओगे, इससे एक आइडिया आ जाएगा कि आपको कितना अच्छा से फोम ये क्रिएट करता है। देख लीजिए, मैंने कहा था ना कि अगर आपकी ऑयली स्किन है या बहुत पोल्यूटेड एरिया में आप काम करते हो, तो बहुत अच्छे से आपके बॉडी के सारे डस्ट एंड ऑयल को ये रिमूव करने में हेल्प करेगी। अब सबका सवाल ये होगा कि इसमें फेयरनेस मिलेगा या नहीं, ज़्यादातर हम फेयर एंड लवली के लिए यही सोच लेते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग खुद ही देख लीजिए, यहाँ पर है फेयर एंड लवली ग्लोइंग सोप,
विथ मल्टी विटामिन। तो जब कंपनी ही ये दावा करती है कि ये सिर्फ आपको ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड कराएगा ना कि फेयरनेस की, तो आप कैसे खुद से ही सोच सकते हो कि आपकी स्किन को फेयर कर देगा या फिर लाइटर कर देगा? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों इस सोप में। तो ये आपके बॉडी को डे बाय डे ग्लोइंग बनाने में हेल्प करेगा, ना कि फेयरनेस देगा। ये आपके स्किन को फेयरनेस देने में आपके बॉडी को कोई हेल्प नहीं करता, सिर्फ नॉर्मल सोप की तरह ही ये वर्क करती है, ना है। तो आप मत सोचिएगा कि ये फेयरनेस आपको देने वाली है, नॉर्मल सोप की तरह ही ये आपके स्किन पे काम करने वाला है दोस्तों। अब हम बात करें ये कहाँ कहाँ मिलेगा आपको। मे बी कुछ दिनों के बाद आपको ऑनलाइन तो मिलेगी ही, लेकिन लोकल स्टोर में आपके दुकान में आसपास में बहुत जल्द मिल जाएगी। कुछ जगह ऐसे भी है जहाँ ये अवेलेबल नहीं है, पर धीरे धीरे अवेलेबल अब कुछ दिनों के बाद आ जाएगी दोस्तों। इसके माइनस पॉइंट में बात करूँ, इसके माइनस पॉइंट ये है कि बहुत ज़्यादा गलती है, गल जाती है सोप बहुत जल्दी। अगर आपने पानी में रख के भूल गए हो तो फिर सोच लो पानी पानी आपका फेयर एंड लवली का सोप हो जाएगा। तो इस थोड़ा सा सावधानी रखिएगा दोस्तों, ये थोड़ा गलने में थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। अदरवाइज़ एक नॉर्मल सोप की तरह ही आपके बॉडी एंड स्किन पर ये करती है दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाला सोप भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा लो जैसे कहते एकदम नीचे कैटेगरी वाला सोप भी नहीं है। ठीक ठाक काम आपकी स्किन और बॉडी पर करती है दोस्तों। तो यही था मेरा फेयर एंड लवली ग्लोइंग सोप के ऊपर एक छोटा सा रिव्यू, जिसमें मैंने सारे मुद्दे वाली ही बातें की हैं। अगर ये आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है तो लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर देना, क्योंकि सोप नया है तो उनको भी तो जानने का हक है कि ये कैसा सोप है। और इस तरीके की और अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कर लेना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले और हमारे वीडियो कभी भी आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड Stay beauty.